गुजरात के नर्मदा में मूसलाधार बारिश हो रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये जो है करजन नदी का जो किनारा है, आप देख पा रहे हैं कि करजन बांध से जो पानी छोड़ा गया है, 5 गेट खोल के 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से करजन नदी जो है उफान पे है। यहाँ पे जो करजन नदी राजपिपला किनारा जो है वहाँ पे लोग जाते वो यहाँ पे प्रतिबंध कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पुलिस बैरिकेड रख दी गई है और बैरिकेड रख के यहाँ पे लोग जो आते हैं उनको आने पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल राजपिपला शहर का ये जो करजन नदी का जो घाट है यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन जो करजन नदी में जो पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है क्योंकि जो कैचमेंट में भारी बारिश है जिसकी वजह से लगातार जो करजन डैम है वहां से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी अलर्ट है। गौरतलब है कि अभी भी बारिश हो रही है और जो पानी जो करजन डैम से छोड़ा जा रहा है जो सीधा नर्मदा में मिलता है, जिसकी वजह से भरूच के तटीय इलाकों को अलर्ट किया गया है। में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और जिसकी वजह से कई निचले इलाके में जिसमें पानी भरा है, ये इलाका है वडोदरा का रामपुरा इलाका जहाँ पे पानी भर चुका है। यहाँ पे रास्ता भी बंद कर दिया गया है। पिछले 5 घंटों से यहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही है और जिसकी वजह से करीब वडोदरा के रावपुरा दादिया बाजार समेत कई इलाकों में पानी भर चुका है। वडोदरा की विश्वामित्री नदी का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसका डेंजर लेवल 26 फुट है और फिलहाल वो 22 फुट तक पहुंची है। आदवा सरोवर से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और जिसकी वजह से वडोदरा की जो स्थिति है वो अभी काफी बिगड़ रही है। कुछ लोग वडोदरा में बारिश की मजा भी ले रहे हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पे ये पानी भर चुका है। यहां पे प्रशासन भी लोगों को निचले इलाकों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रशासन लोगों को बाहर आने का निचले इलाकों से हर जाने की ये जो पानी भर चुका है, लेकिन ऊपर से लगातार बारिश होने की वजह से पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है और इसकी वजह से लोगों की परेशानी बहुत ही बढ़ी है। ये बारिश नहीं होता है तभी प्रशासन भी अपने काम में जुट जाएगा। ये पाठक करोगा आज तक।